वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज आपकी ये टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लास में पार्ट नंबर एट है और इसमें हमने फरवरी 2021 के 19 से 24 फरवरी तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। इसके PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के तहत मोस्ट वर्सिटाइल एक्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, KK मेनन। KK मेनन को अभी मोस्ट वर्सिटाइल एक्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। ब्लैक फ्राइडे, सरकार राज, गुलाल, ABCD और द गाजी अटैक फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता KK मेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के तहत मोस्ट वर्सिटाइल एक्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है। उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म नसीम थी, जो 1995 में रिलीज हुई थी। नसीम 1995 में ये रिलीज हुई थी, ये इनकी पहली फिल्म थी KK मेनन की, नसीम नाम की। और अभी जो है इनको इतनी सारी फिल्मों में ये काम कर चुके हैं, ब्लैक फ्राइडे, सरकार राज और इतने सारे नाम लिखे हुए हैं। तो अभी KK मेनन को मोस्ट वर्सिटाइल एक्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पाइमो क्या है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक इलेक्ट्रिक बाइक, एक ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, पाइमो इसका नाम है, पाइमो। चलिए इसके देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें, क्या लिखा हुआ है पाइमो के बारे में। IIT मद्रास के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप पाई बीम ने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक दो पहिया ई बाइक लॉन्च की है, जिसका नाम पाइमो है। तो यानी कि इसको IIT मद्रास ने बनाया है, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, इसको IIT मद्रास के पाई बीम ने बनाया है। और ये दो पहिया वाहन यानी कि ई बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, इसका नाम पाइमो है और IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन है ग्रेटा थनबर्ग? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है ये, तो इसका आंसर दीजिए क्या है ये। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडिश जलवायु पर्यावरण कार्यकर्ता, यानी कि ये क्लाइमेट के ऊपर पूरा ध्यान देती हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर। स्वीडन से बिलोंग करती हैं, स्वीडन की रहने वाली हैं और जलवायु कार्यकर्ता हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। ग्रेटा थनबर्ग का जन्म साल 2003 में हुआ था। वह एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी राय देती हैं और विश्व के नेताओं को बदलाव लाने के लिए चुनौती देती हैं। तो देखिए ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं, स्वीडन में इनका जन्म हुआ है साल 2003 में, और ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी रिपोर्ट देती हैं। ठीक है, इनका नाम पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और कहाँ से बिलोंग करती हैं ये सब भी पूछा जा सकता है। और बाकी क्वेश्चन जो ये बना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता हैं ये, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में बहती है, वहाँ पे अभी ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज भी शुरू किया गया है। क्रूज जो नाव आउट होती है, उस टाइप का एक अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है असम में, तो असम में उसी का नाम रखा गया है ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है, तो वहीं पर अभी ये महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल भी शुरू की गई है। आइए देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य देश के पूर्वी हिस्सों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
तो देखिए पूर्वी हिस्सों में असम जो है नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, पता ही होगा आप लोगों को। तो नॉर्थ ईस्ट में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका लक्ष्य है। असम में ब्रह्मपुत्र नाम का जो ये पहल शुरू हुआ है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र असम में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पहल ब्रह्मपुत्र जो है महाबाहु ब्रह्मपुत्र असम में शुरू हुआ है। असम के बारे में देख लेते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर, और असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं, और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इतनी बातें असम के बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ये भी बनना है असम में ही। तो असम में अभी ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी फुलवारी पुल बनने के लिए प्रस्तावित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। धुबरी फुलवारी पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रस्तावित पुल है, यह असम और मेघालय को जोड़ेगा। देखिए असम में ये बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहाँ से ये बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी फुलवारी पुल, और ये मेघालय इसको जोड़ेगा असम से। मेघालय भी नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और असम भी नॉर्थ ईस्ट में है, तो दोनों को ये जोड़ने का काम करेगा धुबरी फुलवारी पुल। 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उन 7 में से इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा, असम और मेघालय को। धुबरी फुलवारी पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा, इतनी बातें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्बर डे फाउंडेशन और AFAO के द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है FAO और द आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बना है हैदराबाद। आइए देखते हैं कुछ और बातें। द आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, ये जो FAO लिखा हुआ था ऊपर, ये FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में लिखा हुआ है खाद्य एवं कृषि संगठन, यही है, और द आर्बर डे फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है। तो देखते हैं आगे। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा हाल ही में तेलंगाना राज्य के हैदराबाद को शहरी वनों के संरक्षण के लिए शहर की प्रतिबद्धता को देखते हुए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। हैदराबाद मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शहर है हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। हैदराबाद ने इस कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ यह पहचान अर्जित की है, यानी टोटल पूरी दुनिया में 51 शहरों को चुना गया है, जिसमें से एक शहर आपका हैदराबाद है, आपके इंडिया से, आपके अपने भारत से हैदराबाद को चुना गया है, और बाकी 50 अन्य जो है शहर अलग अलग देशों से चुने गए हैं। तो ये द आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO, इन दोनों ने मिलकर चुना है तेलंगाना के हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 में। FAO की फुल फॉर्म मैंने बता दिया, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका रोम में है, FAO का हेडक्वार्टर रोम, इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है FAO का, और ये खाद्य और कृषि संगठन है, तो मतलब इसी कृषि से रिलेटेड चीज़ों पे काम करता है ये, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड दिया गया है हैदराबाद को। चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभी जो क्रिकेट ग्राउंड ये मोटेरा नाम का बना है,
ये अहमदाबाद में है, मोटेरा स्टेडियम। इसका नाम अभी बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की बात कही गई है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी को नए सिरे से तैयार किए गए मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इस स्टेडियम में एक साथ कुल 110,000 लोगों को बैठने की सुविधा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है ये, और इसका नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया है हमारे राष्ट्रपति ने, और उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया था 24 फरवरी को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहली बात तो ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये बताना रहेगा। तो अहमदाबाद में है, ये गुजरात के अहमदाबाद में है, और नाम इसका मोटेरा स्टेडियम था पहले, लेकिन अब नाम बदल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है। पुराना नाम पूछ सकता है तो मोटेरा स्टेडियम, और नया नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, अहमदाबाद में है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अब 2021 की जगह किस वर्ष किए जाने की संभावित घोषणा की गई है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2022। पहले इसको 2021 में ही लॉन्च करना था, लेकिन अब जो है इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 2 और 1 के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, पहले देखते हैं कुछ और बातें। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अब 2021 की जगह वर्ष 2022 में लॉन्च किए जाने की संभावित घोषणा की है। इसरो चीफ ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में देरी होने का कारण बताया है कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत में देरी हो गई। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसरो की फुल फॉर्म ISRO, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अनुसंधान संगठन है, मतलब नाम इसका इंग्लिश में यही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, फुल फॉर्म है इसका। इसरो की स्थापना 1969 में, और इस समय इसके हेड के शिवान, इनका नाम पूरा के शिवान है, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये चीज़ें इतना इसरो के बारे में भी ध्यान रखिएगा। और चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा 2022 में, और गगनयान जो ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, गगनयान ये भी 2022 में जाएगा अब। और चंद्रयान 1 आपका गया था 2008 में चंद्रयान फर्स्ट गया था, और चंद्रयान सेकेंड 2019 में गया है। ये थोड़ा सा 2.1 किलोमीटर से रह गया ये, तो नहीं तो ये सक्सेसफुल हो जाता। 2.1 किलोमीटर से ये रह गया, चंद्रयान 2 2019 में गया है, और चंद्रयान फर्स्ट 2008 में गया है, और चंद्रयान 3 अब जाएगा 2022 में, और गगनयान भी 22 में ही जाएगा। दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसरो के बारे में भी इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की बात कही है। नर्मदापुरम, आइए देखते हैं कुछ और बातें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। होशंगाबाद शहर का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। देखिए, कभी इसने हमला किया था वहाँ पे होशंग शाह ने, तब से यहाँ का नाम होशंगाबाद रख दिया गया है, जो मालवा का पहला शासक था। देखिए, बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, कभी इसने हमला किया था तो तब से इसका नाम होशंगाबाद रख दिया गया है। यह जिला नर्मदा
प्रभाग और बरार का हिस्सा था, होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी के किनारे है ये होशंगाबाद, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सुंदर घाट हैं, इसके लिए फेमस है ये। इसका प्रमुख आकर्षण सेठानी घाट है। देखिए कोई घाट है वहाँ पे, इसका नाम है सेठानी घाट। इसका मेन जो है अट्रैक्शन वही है, प्रमुख आकर्षण सेठानी घाट है। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, यानी सबसे ज़्यादा पानी इसी नदी से मिलता है मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर यहाँ के कौन हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अभी तक तो आनंदीबेन पटेल थी, अब कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कल हम बात करेंगे उसके बारे में कि इस समय कौन है मध्य प्रदेश के गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ और बातें। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू किया गया था 24 फरवरी 1944 में, 1944 में 24 फरवरी के दिन इसको लागू किया गया था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम। इसीलिए 24 फरवरी को तब से केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के आपके टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल बात करेंगे इसके बारे में कि गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।